इस दिल दहला देने वाली तस्वीरों को जरा देखिए, जब दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा भर भरा कर सड़क पर गिर गया। जैसे ही मेट्रो स्टेशन की दीवार गिरी, पूरे इलाके में जोरदार आवाज सुनाई दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक चालू था। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन हादसे में 53 साल के एक शख्स विनोद कुमार की मौत हो गई। मेट्रो स्टेशन का हिस्सा जैसे ही नीचे गिरा, वहां मौजूद लोग घबरा कर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गया था। नीचे खड़े लोग तो बेतहाशा भागने लगे। आसपास के घरों के लोग अपने अपने मकानों से बाहर निकल कर आ गए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेलिंग गिरी है। आम तौर पर लोग रेलिंग के सहारे खड़े भी होते हैं। यह हादसा मेट्रो की रेलिंग के सहारे खड़े होने वाले यात्रियों के लिए चेतावनी है। आमतौर पर लोग ट्रेन के इंतजार में रेलिंग के सहारे खड़े होते हैं, लेकिन इस हादसे ने यात्रियों को भी डरा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा हिस्सा ही टूट कर नीचे गिरा है। फिर अगली तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है और जेसीबी मलबे को हटा रही है। अब इसी को लेकर दिल्ली मेट्रो ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार के सदस्य को 15 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए, घायल को 50,000 रुपए। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में एक मैनेजर सस्पेंड किया गया है। सिविल डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर सस्पेंड कर दिया गया है। बहरहाल इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल भी उठ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि पिंक रूट मेट्रो के नए रूट में से एक है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और मेट्रो की टीम हादसे की वजह पता लगाने में जुटी हुई है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।